भागलपुर व भागलपुर के आसपास के शहर में झपटमार एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर दिन किसी न किसी इलाके में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। हर वारदात का पुलिस को आरोपी झपटमार का सीसीटीवी फुटेज मिलता है, लेकिन पिछले 3 माह से कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस पर पुलिस अभी भी लगाम नहीं लगा सकी है। इसी बाबत मुजाहिदपुर बबरगंज एवं इसाकचक थाने के थाना प्रभारी एवं CIT 3 के टीम के साथ मुजाहिदपुर इसाकचक और बबरगंज क्षेत्र के हॉटस्पॉट पर रोको टोको अभियान के तहत रेड जोन में चिन्हित किए गए लोगों को रोककर CT DSP अजय कुमार चौधरी एवं अन्य पदाधिकारी एवं भारी मात्रा में पुलिस बल द्वारा मोटरसाइकिल की डिक्की, चारपहिया वाहन की डिक्की की सघन जांच करती दिखी। वहीं जिनके पास कागजात नहीं थे या चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाए गए थे या फिर मोटरसाइकिल चालक हेलमेट नहीं पहने थे, उसका चालान भी काटा गया। वहीं CT DSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि भागलपुर में इस तरह के वारदात को लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उम्मीद है लगातार वाहन चेकिंग अभियान करते रहने से जरूर इस पर लगाम लग सकता है और उम्मीद है इस तरह के वारदात भी कम होंगे। क्या कर रहे हैं सर? शहरी क्षेत्र में चिन चिंताई, बैग चिंताई, मोबाइल चिंताई, रंगदारी और लूट के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। जितने भी बबरगंज क्षेत्र है, मुजाहिदपुर, इसाकचक, दुर्गा माझी, उन सारे क्षेत्रों पे जो हॉटस्पॉट के तौर पे चिन्हित किया गया है, उन सभी क्षेत्रों पे हमारे साथ आप देख रहे हैं बबरगंज के और CIT की टीम है, पूरे टीम के द्वारा जितने भी हॉटस्पॉट है उसकी छापेमारी की जा रही है, रेड किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक में जो भी आयाम है उसकी भी जांच हो रही है। जो लोग बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस से घूम रहे हैं, उनको भी हम लोग चालान काट रहे हैं। इस तरह से पूरी टीम के द्वारा इस तरह की घटनाओं को रोकथाम हेतु हम लोग इस तरह कर रहे हैं। कुछ चलाने भी कटी सर क्या? हाँ, कुछ चलान भी काटी जा रही है। कुछ लोग बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के चल रहे थे, ट्रिपल लोडिंग में चल रहे हैं, इन सबको चिन्हित करते हुए इन सबका फोटो लिया गया है, इन सबको ऑनलाइन चलान भी करते हैं। थैंक यू। भागलपुर में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज सैकड़ों के पार हो चुके हैं। सदर अस्पताल, मायागंज अस्पताल में जितने भी बेड बनाए गए थे वो सभी फूल हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में अपने डेंगू के रिपोर्ट को लेने के लिए सैकड़ों लोग काउंटर में खड़े दिखे। कई मरीज तो सुबह से ही लाइन में लगे रहे और उनका रिपोर्ट 6 से 7 घंटे बाद मिला। लोग काफी परेशान दिखे। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह था कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक काउंटर बना था। एक तरफ चिलचिलाती उमस भरी गर्मी और दूसरी ओर सैकड़ों की संख्या में मरीजों की लाइन। लोग काफी परेशान दिख रहे थे। वहीं मरीजों से जब पूछा गया तो उसका कहना हुआ, सिर्फ एक काउंटर बनाया गया है जिसके चलते इतनी परेशानी हो रही है। अगर 2-3 काउंटर रहता तो शायद यह परेशानी नहीं होती। हम लोग डेंगू बीमारी से पीड़ित हैं, अपना रिपोर्ट लेने आए हैं। हम इसाकचक से आए हैं, डेंगू का रिपोर्ट लेने आए हैं। 11 बजे से नंबर में लगे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला है। क्या हो रहा है? भीड़ काफी है? भीड़ तो काफी है सर। और काउंटर होना चाहिए था क्या? और काउंटर होना चाहिए, क्या काउंटर है अभी? काफी दिक्कत है, काफी दिक्कत है। 11 बजे से लगे अभी 1 बजने जा रहा है सर। तब पर भी काम नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नंबरे में दिखे रहे हैं। सबरंग भागलपुर, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर। ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। निया होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
आज भागलपुर के जगदीशपुर स्थित लोकनायक उच्च माध्यमिक विद्यालय की सैकड़ों बच्चियों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं को मांग को लेकर भागलपुर जगदीशपुर के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। छात्राओं का साफ तौर पर कहना था कि हम लोग जिस विद्यालय में 6 घंटे बिताते हैं वहां न तो पानी की समुचित व्यवस्था है, न ही बिजली की व्यवस्था, न ही बैठने के लिए बेंच की समुचित व्यवस्था है, न ही शौचालय साफ सुथरा रहता है। आखिर हम लोग 6 घंटे कैसे बिताएं, इसका जवाब कौन देगा? विद्यालय में बिजली नहीं रहने के चलते हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, पानी की व्यवस्था नहीं रहने से हम लोग परेशान हो जाते हैं, शौचालय साफ नहीं रहने के चलते हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, आखिर यह कब तक चलेगा? एक सुर में सभी प्रदर्शनकारी छात्राओं ने कहा कि हमारी मूलभूत सुविधा जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए, वरना यह आंदोलन और तेज होगा। छात्राओं ने घंटों भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग को जमकर अपना प्रदर्शन किया। कुछ भी नहीं होता, हम लोग जाते हैं एकदम बैठते हैं, चक्कर खा के लड़की लोग गिर जाती है, मम्मू तक नहीं आती है, क्या करती है? सिर्फ बैठती है, छह पंखा लगा के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में MBA की पढ़ाई के लिए भवन बनकर तैयार था, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया था। इसका मुख्य रूप से कारण था भवन के चारों ओर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बना लेना, जिसके चलते ना तो वहां पढ़ाई का माहौल बन पा रहा था और ना ही आने जाने के लिए रास्ता बचा था, जिसके चलते वहां के छात्र एवं शिक्षक काफी परेशान रह रहे थे। इसको लेकर एक कवायद जारी की गई और जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, नगर निगम भागलपुर सख्ती में और 20 से 25 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं उसको लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर SK झा ने बताया कि MBA की पढ़ाई के लिए यह भवन महीनों पहले बनकर तैयार था। हम लोग इसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री से कराना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर अतिक्रमण होने के चलते पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा था, जिसके चलते हम लोग चाह कर भी इस भवन की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते बच्चे भी लौट रहे थे। वहीं प्रॉक्टर ने जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और नगर निगम भागलपुर का धन्यवाद ज्ञापन किया कि उन्होंने उनकी पहल से यह भवन अब पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार है, इसका विधिवत उद्घाटन कराया जाएगा और इसमें पढ़ाई शुरू होगी। हालांकि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ पेड़ को भी उखाड़ फेंका गया और पत्रकारों ने जब पेड़ को बिना आदेश के उखाड़ कर फेंकने की बात पूछी तो विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साध लिए और इस सवाल का जवाब देने से कतराते दिखे। गाछ जो आप तोड़वा रहे हैं, गाछ तोड़वाने का एनओसी लिए हैं आप? गाछ कहाँ तोड़वा रहे हैं, हटाने के क्रम में गिर जाता है, ऐसा बात थोड़ा है, हटाया जा रहा है और तोड़वाया जा रहा है, आपके आदेशानुसार ही हटाया जा रहा है? हमारे आदेशानुसार नहीं है सर, जिला के आदेशानुसार, जिला के आदेशानुसार अतिक्रमण है, गाछ थोड़ा हटाना है, गाछ नहीं सर, गाछ तो, लेकिन अभी तो आप तो हटा रहे, सब गाछ को तोड़ो, सब गाछ को तोड़ो, सब गाछ कहाँ है, वो तो छोटा मोटा गाछ है, 3-4 गाछ ऐसे कट गया, कट गया ना, घर हटाने के क्रम में जब रोड के किनारे में रखा हुआ घर उठा रहे हैं, पांच बिल्ला लगा हुआ, इसीलिए उसी में हो जाता है घर। अच्छा ठीक।
भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महमदाबाद वार्ड नंबर 50 में नगर निगम टैंकर से पानी लेने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के एक बुजुर्ग और एक महिला घायल है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने से वार्ड 50 और 51 में पानी की समस्या है, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा टैंकर से हर दिन पानी भेजा जाता है। इस दौरान एक पक्ष जब पानी लेने टैंकर के पास गए तो दूसरे पक्ष के लोगों ने पानी लेने से मना कर दिया और मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं घायल ने बताया कि इन लोगों का कहना है कि यह टैंकर सिर्फ वार्ड 51 के लोग ही पानी लेंगे, आप लोग वार्ड 50 में हैं, वार्ड 50 के पार्षद को बोलिए। वहीं इस पूरे मामले पर घायल पक्ष की तरह वार्ड नंबर 50 के पार्षद पंकज गुप्ता को फोन के माध्यम से सूचना देने की कोशिश की गई, तो वार्ड पार्षद ने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। वहाँ पानी भरने के लिए गया तो गोपाल शर्मा कहता है कि बेचैन औरत है, यहाँ से पानी इसको नहीं भरने देंगे, निकाले इसको यहाँ से। हम कहे निकाले कि भाई 10 गड्ढा पानी आया है ना, तो सबको भरने दो। इसी में हम आगे घर इसको जो है कहे कि भैया तुम एक बाल्टी पानी लेके आओ, एक बाल्टी पानी लेके आ रहा है। हमको उधर से जो है ना आया एक लाठी बड़का फरट्टी से एक भी मार दिया हमको हाथ में घर घुस के, और उसके बाद इसको भी मारा है, दोनों को मारा है। क्या पानी के लिए मार हुआ था? हाँ, पानी के लिए मार हुआ है। उसके पहले कभी मार हुआ था? नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं। हम सब इतना दिन घर बस के रहे। हमारा नाम विनोद साहब है। देखिए जो हम बोल रहे हैं झूठ नहीं बोलते हैं। सो ये हमारा पुतहू थी, वो बड़का फटेटा लेके की नाम से बेटा वीरन शर्मा लेके बड़का तख्ता लेके आया। अब मार वही पानी के लिए, तुम कहा गया वहाँ पानी भरने के लिए, तुम बच्चे और रहते और आया मारा। मना कहा है कि तुम यहाँ नहीं भरे गए 51 बार, उधर भी भरे तो इधर काहे भरती हो पानी? हम कहीं किसी का खरीदा हुआ नहीं है, वहाँ पानी हमको नहीं हुआ, तब इधर आए हम। आप सब भी उधर जाइए, ऐसे हम बोले। आप सब भी वहाँ जा सकते हैं, आप सब जाइए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे उसको। हम आप सबको बोलेंगे तब ना, तो नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। बड़का फटरी लेके घुस गया हमारा घर में बेटा सब भी कृष्णा देवी।